सो फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम देखेंगे नाउन को। नाउन नाउन इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। ए नाउन इज ए वर्ड, ए नाउन इज ए वर्ड विच शोज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनी आइडिया। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। जब हम किसी चीज को, किसी व्यक्ति को, किसी स्थान को कोई नाम दे देते हैं तो हम उसे उसकी संज्ञा दे देते हैं। जैसे ये मार्कर है तो उसको हमने मार्कर कहा, तो उसको हमने इसको क्या कह दिया, इसको हमने इसको मार्कर की संज्ञा दे दी। ये बोर्ड है तो हमने इसको बोर्ड की संज्ञा दे दी। तो नाउन जब हम किसी चीज़ को उसको नाम दे देते हैं तो उसे ही संज्ञा कहते हैं। नाउन इज अ वर्ड विच शोज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स आर एनी आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, राम, श्याम, मनोज, गीता, ये सब क्या है, नाम है। हिमालय, एवरेस्ट, ये माउंटेन का नाम है, ये व्यक्तियों के नाम है। गीता ये फीमेल का नाम है, ये मेल का नाम है। तो जब हम किसी चीज़ को कोई नाम दे देते हैं तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो नाउन का बस इतना ही मतलब होता है, सिंपली आप समझिए कि जब हम किसी चीज़ को कोई नाम दे देंगे तो उसे हम संज्ञा कहेंगे, चाहे वो पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, चाहे थिंग्स हो, चाहे कोई आइडिया हो। जैसे आइडिया के तौर पर आइडिया का एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हम बहुत खुश हो जाते हैं, जैसे हैप्पी। हैप्पी क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि भाव को व्यक्त कर रहा है। भाव को तो अपने एक्सप्रेशन को कोई नाम दे देते हैं तो कहते हैं कि वो क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। हैप्पी, सैड, काइंड, तो ये सब क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। मतलब हम अपने इमोशंस को कोई नाम दे देते हैं तो हैप्पी, सैड, काइंड, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर बताते हैं। जब इसका हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे नाउन का तब चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी कि किस चीज़ को कैसे नाम देकर संज्ञा में कन्वर्ट किया जाता है। तो नाउन क्या होता है, नाउन जब किसी चीज़ को कोई नाम दे देते हैं तो उसे संज्ञा कहते हैं। नाउन इज अ वर्ड विच शोज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनी आइडिया। अब आगे देखते हैं प्रोनाउन। नाउन के बाद फ्रेंड्स, अगर नाउन का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करके देखें तो जो अभी तो आप आगे और डिटेल में पढ़ेंगे नाउन का क्लासिफिकेशन, लेकिन थोड़ा बहुत जो जान लें जैसे नाउन क्लासिफिकेशन के बारे में, तो इस प्रकार से नाउन को क्लासिफाई किया जाता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन।
जब हम किसी चीज़ को नाम दे देते हैं तो उसे नाउन बोलते हैं। नाउन की ये क्लासिफिकेशन है, प्रॉपर नाउन। जब किसी प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जब हम किसी व्यक्ति विशेष को कोई नाम देते हैं तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं, जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, रीता, जबकि यहाँ प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। कॉमन नाउन का हिंदी का शाब्दिक अर्थ हिंदी में जातिवाचक संज्ञा होता है। जब हम किसी कास्ट को कोई नाम दे देते हैं, किसी कास्ट, किसी कैटेगरी से रिलेटेड किसी जीव को या किसी वस्तु को नाम देते हैं तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं, जैसे काऊ। गायों की एक प्रजाति होती है तो काऊ गाय बोलते हैं उसे, काऊ मीन्स गाय। गायों की एक प्रजाति होती है तो काऊ हो गया। टीचर, उनके भी क्या होती है, एक प्रजाति होती है टीचर की, टीचर की एक कैटेगरी होती है तो उनको टीचर के अंतर्गत रखते हैं। स्टूडेंट हो गया, सब क्या है, ये इस तरह के जो नाउन होते हैं वो कॉमन नाउन के अंतर्गत। जब हम किसी कैटेगरी को, किसी किसी जात विशेष को, किसी वर्ग विशेष को ना कोई नाम देते हैं तो उसे हम कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं। काऊ हो गया पशुओं की जाति है, काऊ। टीचर, टीचर्स अध्यापकों की जाति है, स्टूडेंट विद्यार्थियों की कैटेगरी है। मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल से जैसे क्लियर ही है, मटेरियल के सब किसी मटेरियल को कोई नाम देते हैं तो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, जैसे मिल्क, मिल्क हो गया, कोई मेटल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सब किसके अंतर्गत आता है, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन जब किसी समूह को कोई नाम देते हैं उसे कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। इसके अलावा जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी में को हिंदी में भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जब हम किसी जो अपने इमोशंस को नाम देते हैं तब उसे भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, जैसे लाफ, क्राई, लाफ, क्राई, सैड, हैप्पी। जो अपने इमोशंस को नाम देते हैं तो उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये नाउन के क्लासिफिकेशन है, ये 5 टाइप्स के नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये सब चीज़ें आप अपने ध्यान में रखिए, धीरे धीरे चीज़ों को हम और आगे और डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी तो बेसिक जानकारी दे रहे हैं, आगे की क्लासेस में और अच्छे से और डिटेल में चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे। तो फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के बाद बात करते हैं प्रोनाउन की। नाउन तो क्लियर हो गया आप लोगों की, जब किसी चीज़ को कोई नाम दे देते हैं, किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी इमोशन को जब कोई नाम दे देंगे तो उसकी संज्ञा बोलते हैं, मतलब नेम इज़ कॉल्ड नाउन। जब हम किसी चीज़ को कोई नाम देंगे तो संज्ञा बोलते हैं। और इसके क्लासिफिकेशन देख ही लिए, अब इसके बाद देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब कि वे वर्ड्स जो कि नाउन की जगह लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, वे शब्द जो संज्ञा की जगह लेते हैं, नाउन की जगह लेते हैं, उसे हम सर्वनाम बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जांपल देखते हैं, देखिए मैं आपको नाउन और नाउन को, नाउन की जगह किस तरह से प्रोनाउन लेता है उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा आप लोग। ये नाउन है, इसका प्रोनाउन इस तरह से होगा,
नाउन के रूप में एक एग्जांपल लेते हैं, अंश, अंश इज वेरी क्यूट, अंश इज वेरी क्यूट। तो यहाँ पे अंश क्या है, नाउन है, अंश क्या है, नाउन है। अब अंश को जब हम प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे तो अंश के स्थान पे क्या रखेंगे, ही। अंश को क्या बोलेंगे, ही, क्योंकि नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज़ करते हैं उसे प्रोनाउन बोलते हैं। तो अंश के स्थान पे हम जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे उसे ही बोलेंगे, ही इज वेरी क्यूट। तो अंश के स्थान पे, अंश नाउन है, अंश के स्थान पे जो वर्ड यूज़ किए हम ही, इसे प्रोनाउन कहते हैं। ये क्या है, प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है। मतलब क्या हुआ, जब हम सबने क्या है कि प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, तो नाउन अंश है, अंश के स्थान पे क्या वर्ड यूज़ किए, ही, तो ही क्या है, प्रोनाउन। तो इसी तरह के वर्ड्स जो नाउन के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। He, see, it, he, see, it, they, you, I, me। तो ये सब वर्ड्स जो हैं ये प्रोनाउन हैं, ये सब वर्ड्स जो है नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं इसे प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन के बाद अब बात करते हैं वर्ब की। फ्रेंड्स, सब इस चीज़ों को धीरे धीरे लेके चल रहे हैं और आगे और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी तो सिर्फ बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो जितने पार्ट्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, उसकी बेसिक जानकारी अभी ले रहे हैं। आगे चल के हम और डिटेल में चीज़ों को समझेंगे और उसका क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। तो वर्ब देख लेते हैं। वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं, क्रिया।